9 मई नूं दुनिया भर दे विच मदर्स डे मनाया जा रहा है, पर ए मदर्स डे उन्हां महिलावां लई भी बेहद खास है जो पिछले एक साल तो कोरोना महामारी दे विचाले फ्रंट लाइन ते रह के काम कर रहीयां ने। जिथे ए महिलावां सेहत विभाग, पुलिस महकमे जां होरनां विभागां च बतौर कोरोना वारियर अपनी सेवावां दे रहीयां ने, उत्थे ही दूजे पासे ओह घर च मां होण दा फर्ज़ भी बखूबी निभा रहीयां ने। आओ जानदे हां इन्हां मावां दे लई कोरोना काल च अपनी ड्यूटी दे नाल नाल बच्चियां दी देखभाल करना किन्ना कु मुश्किल रहा। मैं पिछले एक साल तो कोविड वार्ड विच कोविड रजिस्ट्रेशन विच ड्यूटी कर रही हाँ, तो हुण पिछले 15 दिनों तो वैक्सीनेशन विच ड्यूटी कर रही हाँ, तो इस दौरान मैं 2 बारी पॉजिटिव आ चुकी हाँ। तो सर तुहानूं पता है कि बीइंग अ मदर, एक मदर नूं अपने बच्चे नूं मतलब पॉजिटिव होंदे हुए बच्चे नूं संभालना किन्ना ज़्यादा मुश्किल होंदा है। तो ईवन ड्यूटी करते हुए भी मैनूं जदों मैं घर जाती सी मेरी बेटी मेरे को भज के आती सी, मैंने कहा सी नहीं दूर रह, तो देखो एक मदर लिए अपने बच्चे अपने को दूर करना किन्ना ज़्यादा मुश्किल होंदा है। तो एक बीइंग एक कल्ली घरे मतलब सिंगल मदर है, मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, तो घर में खाने का मतलब कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि तुम्हें पता है भी अपने मोस्टली फीमेल्स ही सारे घर के काम कर दी ने। तो उस उन्होंने दिनों में जो मैं पॉजिटिव आई सी, तो मैं आप सारे लोग कहते कि तुम बाजार का खाना नहीं खाना क्योंकि कोरोना होया हो, बट मैं उस टाइम बाजार चो खाना मंगवा के अपनी फैमिली सर्व करना पै रहा है। तो तुम देख रहे हो कि पर प्रशासन साढ़िया इन्होंने चीज़ों बिल्कुल भी नहीं देख रहा, अनगहली कर रहा है। असं पिछले एक साल तो ड्यूटी कर रहे हाँ, लगातार कर रहे हाँ, तो सानू हुण लैटर आ रही है प्रशासन वालों कि तुसीं RBS के टीम पिछले एक साल तो ड्यूटी कित्थे कर रहे हो, कि उन्होंने नहीं पता कि असं ड्यूटी कित्थे कर रहे हाँ। लगातार SMO साहब ने पता सी, सब नूं पता, उन्हां दी नॉलेज है वर्बली ड्यूटी साढ़े लग रही ने, तो उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि वह सानू पहलां तो ही सरकार नूं इनफॉर्म करके रखन कि असं ड्यूटीज कित्थे कर रहे हाँ, साढ़े बच्चे किवें सफ़र कर रहे हैं। सब फैमिली फुल सपोर्ट सी, जिवें मैं 2 वारी पॉजिटिव आई हाँ, मेरे हस्बैंड ने मैंने फुल कोऑपरेट किया, मेरे बच्चों ने, मैं मतलब अलग रूम से मेरे बच्चे अलग रूम से रह रहे थे, ईवन मेरी हेल्प वो कर रहे थे, तो ईवन साढ़ा तुम दस्से पहला भी मैं कि खाना वगैरह सारा बाहरों अरेंज कर रहे थे। सर मेरी बेटी है एक 10 साल की है, तो बट मुश्किल उन्होंने भी आई है क्योंकि वो पढ़ाई का जिम्मे मेरे फोन पर सारा वह होमवर्क आना मदरस ही करवा दें थोड़ा पता अपनी फैमिलीज में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी इसलिए, बट फिर भी कुछ तरीके मैनेज करना पाया। जेकर गल करिए तां सेहत ते पुलिस तो अलावा वख-वख खेतरां च नौकरी कर रही महिलावां वल्लों इह समां बेहद मुश्किल रहा। इन्हां चों कई खुद भी ड्यूटी दे दौरान कोरोना पॉजिटिव हुईआं, पर इस दे बावजूद उन्होंने अपने बच्चों ते परिवार का पूरा ख्याल रख्या। मैं कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर हाँ, वैसे मेरी पोस्टिंग है HWC बख्तगढ़ा, पर पिछले एक साल तो कोरोना दौरान असी कोरोना की सैंपलिंग ड्यूटी भी की SDH तपा विखे, असी कोरोना आइसोलेशन वार्ड च सोलपत्ती उत्थे भी ड्यूटी की, उस तो बाद असी कोरोना वैक्सीनेशन च भी ड्यूटी कर रहे हैं। जो मैं कोरोना आइसोलेशन वार्ड च ड्यूटी की उस टाइम 7 दिन की ड्यूटी होंगी है, 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हों, और उस टाइम मैं अपने बच्चे तो अलग रही, मेरी गुड़िया बहुत छोटी है 2 साल की, तुहानू पता ही है भी बच्चे तो अलग रहना वो जबकि वो फीड भी लै रही है। तो जिदा हुण भी असी कोरोना सैंपलिंग ड्यूटी करते हैं, साड़ी हफ्ते विच 2 दिन तपे सैंपलिंग ड्यूटी होंदी है, उत्थे जो असी सैंपल लैने वो मरीज़ पॉजिटिव भी आउंदे आ, पर साडे लई वो कोई क्वारंटाइन नहीं, असी उस तो बाद डायरैक्ट जाके अपने बच्चों नूं मिलदे आ। तो देखो जो असी मतलब कि वह पॉजिटिव पेशेंट के कंटैक्ट चाहते हैं, डेफिनेटली साडे बच्चे भी साडे कंटैक्ट च ही आउंदे आ, क्योंकि साडे लई जे साडा वह मरीज़ जिवें असी अज सैंपल लिया घट्टो घट्ट 3-4 मरीज़ तो उस पॉजिटिव आते ही है ना, पर साडे लई कोई क्वारंटाइन नहीं उस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत डर लगता है क्योंकि जो आइसोलेशन वार्ड से ड्यूटी करते हैं तो डायरैक्ट मतलब कि उत्थे तो पेशेंट ही सारे कोरोना लिया, उस तो बाद बच्चे नूं जाके मिलना इदा बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र होंगे ही है। इस दौरान सेहत विभाग च वख-वख अहुदिआं ते काम करन वालीआं महिलावां ने ETV भारत नाल अपना तजर्बा सांझा कीता। उन्हां दस्सिआ कि वह फ्रंट लाइन ते रह के कोरोना सैंपलिंग, आइसोलेशन वार्ड, कोरोना वार्ड च ड्यूटी करते रहे। इस दौरान उन्हां लई बच्चों तो दूर रहना औखा रहा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छड़ी, घर पहुंच के वह बच्चों की सुरक्षा को ध्यान च रखते हुए उन्होंने समा बतीत करते सन। इन्हां चों कुछ महिलावां दे बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हुए, पर हर मुश्किल समय च दलेर महिलावां ने चंगी मां होण दा सबूत दिता ते हुण भी दे रही हैं। महिलावां ने कहा कि उन्होंने अजिहे औखे समय च परिवार का भरपूर साथ भी मिले। पिछले साल भी साडियां ड्यूटियां कोरोना दे विच लगियां गईयां, आइसोलेशन वार्ड दे विच लगाईयां गईयां। उस समय दौरान मतलब साढ़े लिए यह हुंदा सी कि भी 7 दिन तुसी ड्यूटी करदे हो तो 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हुंदा सी साडा, जदों असी घर जाना तो बिल्कुल नहा के बाहरों बच्चों नूं टच के मतलब सारा समान जो असी लेके आउंदे सी वो बाहर छड़ रख के फिर अंदर एंटर करदे सी, आपदे आप नूं पूरी तरह सैनिटाइज करके सारा नहा धो के फिर अंदर एंटर करदे सी बच्चों को, पर फिर भी आपदे मन च डर रहिंदा सी वी असी पॉजिटिव पेशेंट्स दे कंटैक्ट चों आए हाँ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੇਅਰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 103 ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, 17 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇੰਡ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ETV ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ।